सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लंदन जाने के बाद मरियम नवाज के खामोशी से डील का तासुर मजबूत होगा। तफसीलात के मुताबिक मारूफ सहाफ़ी काशिफ अब्बासी का कहना है कि गुज़श्ता दिनों होने वाली मीटिंग्स में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ तो बाहर जा रहे हैं लेकिन मरियम नवाज को नहीं जाने दूंगा। जब काशिफ अब्बासी से सवाल किया गया कि मरियम नवाज खामोश हैं, क्या ये कोई नई कहानी सुना रही हैं? काशिफ अब्बासी ने कहा कि मरियम नवाज की खामोशी में बहुत बड़ी कहानी है। नवाज शरीफ तो बाहर चले गए हैं, अब मरियम नवाज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, वो ट्वीट्स भी कर सकती हैं। लोग ये सवाल तो उठाएंगे, मरियम नवाज का ट्विटर तो खामोश नहीं रहता, अब क्यों खामोश हैं? जिससे वाज़ेह तौर पर डील का तासुर जाएगा। इससे कबल जिन जमीयत उलमा इस्लाम फे का धरना जारी था तो काशिफ अब्बासी ने कहा था कि नून लीग को ज्यादा मुश्किल होगी अगर नवाज शरीफ बाहर चले जाएं और मरियम नवाज पाकिस्तान में रह जाएं। अब तक सियासी पोजीशन ना लेने के लिए यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ बीमार हैं, उनकी तीमारदारी वगैरह, लेकिन अगर नवाज शरीफ एक बार मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो स्टेज सेट है, कंटेनर लगा हुआ है और तीमारदारी का बहाना भी मौजूद नहीं है। मरियम नवाज का कंटेनर पर जाने का फैसला तय करेगा कि डील हुई है या नहीं हुई। काशिफ अब्बासी ने मजीद कहा कि अगर मरियम नवाज कंटेनर पर चली गई फिर NRO और डील की बातें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर वो कंटेनर पर ना गई, उनका मोबाइल भी बंद रहा, अगर मरियम नवाज की कोई ट्वीट सामने नहीं आती और वो कोई सियासी पोजिशन नहीं लेती तो फिर ये बातें होंगी कि वाकई कोई डील हो गई, क्योंकि मरियम नवाज अपने जारहाना बयानात की वजह से मशहूर हैं। अगर वो खामोश रही तो फिर यही तासुर जाएगा, वाकई कोई डील हुई है।